नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्टेड ज्ञान पे तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम डिस्कस करने वाले कोटा यूनिवर्सिटी यानी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है उसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर जो आपके 2021 का एग्जाम पैटर्न है इसमें केवल आपको 50 परसेंट पेपर हल करना ही है आप सबको पता है इसमें जितने भी आपके एग्जाम कराई जा रही है टू में उसमें केवल आपको फिफ्टी पेपर हल करना है उसे आपको सौ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो इसे किस प्रकार करना है तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है वो हमें कमेंट बॉक्स पर करके लिख भी देते कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाई तो आज ये वीडियो हम आपके लिए लाए चाहे बी बी ए बी कॉम बी एस सी MM, MS, के स्टूडेंट्स हो चाहे आपके पी जी कोर्सेज एम एम कॉम एस सी ए सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आप पर आपको कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर हाँ इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाती है तो आइए समझते तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर निर्देश दे सकते हैं जो कि कोटा यूनिवर्सिटी यानी कोटा विश्वविद्यालय ने फाइनल ईयर की परीक्षा उसे पूर्व यहाँ पर, पर ये अपनी वेबसाइट पर डाले थे जो कि दो में जितने भी एग्जाम होने वाले उनके लिए महत्वपूर्ण निर्देश है इनका एग्जाम पैटर्न है इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर इसे अच्छी तरह यहाँ पर हमें समझाएगी क्योंकि अभी भी हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले इस एग्जाम पैटर्न के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको किस प्रकार यहाँ पर अपने 50 परसेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर अपने सॉल्व करना है क्योंकि अभी आपके इंडिया ईयर के एग्जाम भी बाकी है और साथ में यहां पर आपके सेमेस्टर और पीजी कोर्सेस के प्रीवियस वालों के भी आपके एग्जाम यहां पर होने हैं तो आइए इसे समझते हैं हम तो दोस्तों जैसा कि आप सबको ये तो पता है कि आपके जो समय है वो तीन घंटे से घटा के डेढ़ घंटे कर दिया गया है क्योंकि अगर आपको फिफ्टी परसेंट यहाँ पर पेपर हल करना है तो आपका समय भी यहाँ पर घटाया जाएगा ये तो आप सबको पता है तो यहाँ पर आपके डेढ़ घंटे में आपको पेपर करना है अब इसे किस आधार पर करना है वो हम आपको समझाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र पुरानी पद्धति के अनुसार ही तीन खंडों में होएगा जैसे कि आप सबको पता है जो आपके पेपर आता था वो आपके तीन खंडों में आता है आपके यानी तीन सेक्शन में आता है ए बी और सी में आता है जिसमें आपके अलग अलग मार्किंग होती है आप सबको पता है अलग अलग जैसे फील्ड है बी ए बीकॉम और बी एस सी इन सब अलग अलग आपके मार्किंग होती है तो आप अपनी मार्किंग के हिसाब से यहाँ पर समझ लीजिएगा तो जैसे कि आप सबको पता ही है आपके तीन सेक्शन होते हैं उसमें आपकी क्या होती यूनिट होती है आप सबको पता है आपके पाँच पाँच यूनिट आती है हर एग्जाम में उसमें आपकी इकाई यानी यूनिट और इकाई आपकी एक ही होती है उसके बाद खंड जैसे आपके पता है आपके तीन खंड में होता है सेक्शन ए सेक्शन बी या सेक्शन सी और आपको भी पता है कि आपके जो सेक्शन बी और सेक्शन सी इनमें क्या आपके जो क्वेश्चन है वो आपके अथवा में आते हैं उनमें से केवल आपको एक करना होता था ये हम पहले वाले में बता रहे हैं तो अब क्या है इनकी जो सबकी बाध्यता अब नहीं होगी जैसे कि आपकी जो सेक्शन और आपकी जो यूनिट की बाध्यता है वो आपकी यहाँ पर हटा दी गई है यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट इकाई खंड अथवा और की जो यहाँ पर बाध्यता है वो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न में थे कुल केवल फिफ्टी है यहाँ पर अंक आपको यहां पर हल करना होगा यानी आपको जितने का भी एग्जाम आएगा उसका केवल आपको फिफ्टी परसेंट अंक यहां पर आपको सॉल्व करना है फिफ्टी परसेंट अंक तक के कोई भी हल किए जा सकते हैं प्रश्न आपकी यहाँ पर कोई सीमा नहीं है कि आपको यहाँ पर इसी यूनिट में से करना है आपको कोई भी यूनिट में से आप यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और चाहे आप अथवा वाले पहले आपको अथवा वाले में से केवल एक करना होता था लेकिन अब अगर, अगर आपको एक यूनिट के दो क्वेश्चन भी आते हैं अथवा वाले भी तो आप वो कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार आपके फिफ्टी के अंक यहां पर आपको सोल्व करने जो आपके 50 परसेंट उसको आपको सौ परसेंट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यथा सौ अंक वाले क्वेश्चन में फिफ्टी अंक तथा अस्सी अंक वाले में चालीस और सत्तर वाले में पैंतीस इसी प्रकार पिछहत्तर वाले में अड़तीस उसी अनुपात में क्या आपके अंक विभाजन होएगा, जैसे कि आप सबको यहाँ पर पता है और अगर आप जैसे कि आपके अगर सौ नंबर का पेपर है जिस भी आपके फील्ड में अगर सौ नंबर का यहाँ पर पेपर होता है तो आपको यहाँ पर केवल क्या है फिफ्टी पचास नंबर का पेपर यहाँ पर आपको हल करके आना है उस पचास नंबर को आपको क्या है सौ नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जितने भी आपके नंबर आते हैं जैसे कि आपके अगर पचास uh, आप सौ में से पचास नंबर का करते हैं और आपके फोर्टी नंबर आते हैं तो आप उसे समझ लीजिए कि उससे आपके यहाँ पर नाइन्टी नंबर में यहाँ पर बदल दिया जाएगा तो ये हम आपको केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको बता रहे हैं इसी आधार पे आपके जैसे कि हम बी एस सी की यहाँ पर बात करते हैं जितना ये हमें जानकारी आपको सबको पता है कि आप जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न अलग होता है मार्किंग लेकिन जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें आप सबको पता है आपके सारे पेपर फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स के होते हैं तो यहाँ पर केवल के, केवल आपको ट्वेंटी फाइव नंबर के यहाँ पर आपको प्रश्न हल करके आने और जितने भी नंबर आएगी आपको उसको डबल कर दिया जाएगा उसे यानी सौ परसेंट के अनुसार यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर आपके यहाँ पर पच्चीस में से आपके तेईस आते हैं तो यहाँ पर आपके पचास में से यानी फोर्टी सिक्स नंबर आए तो आप यहाँ पर समझ गए हो गये कि केवल आपको ट्वेंटी फाइव हासिल करने है और यहाँ पर किस प्रकार करना है जिससे आप सबको पता है पहले आपके तीन सेक्शन होते थे ए में आपके हाफ मार्क्स के आते हैं और बी सेक्शन में आपके फाइव मार्क्स के आते हैं और सी सेक्शन में आपके टेन मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं ये मैं केवल फिफ्ट जो पचास नंबर का प्रश्न पत्र होता है आपके उसके आधार पर बता रहा हूँ बाकी अलग अलग फील्ड में आपके अलग अलग होता है तो आपको यहाँ पर क्या करना होता था कि जो आपके बी सेक्शन है बी सेक्शन में जो आपके बी सेक्शन में आपको दस क्वेश्चन दिए जाते थे अथवा अथवा में यानी हर यूनिट में से दो क्वेश्चन पूछा जाता था इस आधार पर आपके बी सेक्शन में दस क्वेश्चन होते तो उसमें से केवल आपको पाँच करने होते थे अथवा मिला के लेकिन अभी आपको क्या करना होगा यहाँ पर आप कोई से भी अपने पच्चीस नंबर के आधार पर कर सकते हैं तो आप बी सेक्शन में से तीन क्वेश्चन कर लीजिएगा यानी पंद्रह मार्क्स के तो एक क्वेश्चन आप जो सी सेक्शन में से है दस नंबर का ले लीजिएगा तो ये दस तो ये आपके कुल ट्वेंटी फाइव नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन हल हो गया तो आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं चाहे तो आप यहाँ पर सी सेक्शन से दो क्वेश्चन ले सकते हैं दस दस मार्क्स के तो आपके बीस नंबर हो जाएंगे और बीस सेक्शन से आप एक नंबर के फाइव मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हैं तो आपकी ये ट्वेंटी फाइव मार्क्स हो जाएंगे तो आप किसी भी आधार पे आपने यहाँ पर पेपर कर सकते हैं केवल नहीं यहाँ पर आपको फिफ्टी परसेंट हल करना है और अगर हम बात करें यहाँ पर मैथ्स के सब्जेक्ट की तो जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको बता दूँ ये बी एस सी मैथ्स की स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपके केवल फिफ्ट टू सेवेंटी फाइव मार्क्स के आपके दो पेपर होते हैं आप सबको पता है जो आपका फर्स्ट पेपर होता है वो आपके सेवेंटी फाइव मार्क्स का होता है और आपके जो थर्ड पेपर होता है वो आपके सेवेंटी फाइव मार्क्स का होता है लेकिन जो आपका सेकेंड पेपर रहता है वो आपके फिफ्टी मार्क्स का होता है जैसे कि आप सबको पता है अगर नहीं भी होगा तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैं केवल बी एस मैथ्स की स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ यहाँ पर बी ए वालों का अलग पैटर्न होता होगा और भी अलग अलग फील्ड के यहाँ पर अलग होते हैं तो यहाँ पर क्या है आपके जो मैथ्स में फर्स्ट और थर्ड पेपर आपके सेवेंटी फैवेंट्स सेवेंटी फाइव मार्क्स का सेकेंड पेपर आपके फिफ्टी मार्क्स का होता है क्योंकि आपके इसमें ट्वेंटी फाइव मार्क्स का क्या आपके प्रैक्टिकल भी होता है जिस कारण आपका सेकंड पेपर है वो आपके केवल फिफ्टी मार्क्स का होता है तो हम यहाँ पर सेवेंटी फाइव पेपर पैटर्न वाले पे आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको केवल जो सेवेंटी फाइव में से केवल आपको थर्टी एट नंबर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि सेवेंटी फाइव वाले प्रश्न पत्र में आपको थर्टी एट नंबर का यहाँ पर सॉल्व करना है तो इस आधार पर भी क्या है आप यहाँ पर जो आपके पेपर है ए बी और सी में से इसमें आप अपने कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर से कोई सा भी आप थर्टी एट नंबर का यहाँ पर आपको सॉल्व कर लीजिएगा इसकी जो अलग अलग सीमा अलग अलग होगी जैसे कि आप सबको पता है कि आपके सेवेंटी फाइव मार्क्स में ए सेक्शन में आपके ए वन मार्क्स के होते हैं बी सेक्शन वाले में आपके जो हर क्वेश्चन सेवन मार्क्स का होता है और सी सेक्शन वाले में आपकी हर क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स होता है तो आप बी सेक्शन में से कोई भी सात सात नंबर करके यहां पर जोड़ लीजिएगा सी सेक्शन में से आप पंद्रह मार्क्स का कर सकते हैं चाहे तो अगर आप सी सेक्शन में से दो क्वेश्चन कर लेते फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स का थर्टी नंबर तो आपके वैसे हो जाते हैं और बी सेक्शन में से आपके सेवन मार्क्स का यानी थर्टी और एक कोई सा भी एक क्वेश्चन आप ए, ए मार्च से कर लीजिएगा यानी सेक्शन ए से तो आपके थर्टी एट नंबर हो जाएंगे तो और अलग अलग जिस भी आपको अपने अनुसार आप यहाँ पर पेपर कर सकते हैं तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा पैटर्न यहाँ पर समझ में आ गया होगा यहाँ पर बी में भी कई वालों के जो होते हैं उनमें सौ नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं सौ पर्सन का भी प्रश्न पत, पत्र होता है कईयों में आपके फिफ्टी मार्क्स का होता है पर लेकिन ज़्यादातर जो आपके बीए के एग्जाम में वो सौ नंबर पे होते हैं तो आपको यहाँ पर केवल क्या के है फिफ्टी मार्क्स पे यहाँ पर आपका सॉल्व यहाँ पर अपना करके आना है कैसे भी आप फिफ्टी मार्क्स के आप यहाँ पर, पर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए उसको आपको सौ परसेंट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर आपको समझाया है और भी हम यहाँ पर जैसे आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे सेकेंड ईयर के और प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके पीजी के उनके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे और अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब जरूर यहाँ पर देने वाला हूँ